कभी अगर कॉम्प्लिकेटेड यूनिट कन्वर्जेंस पूछे जाते हैं, स्केल का रूल क्या था, छोटा रीजन कन्वर्जन कर रहे हो सब्ट्रैक्शन, एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हो, तो आज जो पॉइंट शुरू कर रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टॉपिक आता है दैट इज एरर। मतलब ये ऐसा पार्ट है कि जिसके ऊपर हर एक एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एरर, कितने लोगों ने एरर सुना है, डिस्कस हो गया था एरर के बारे में, है ना, सब लोगों ने सुना है। फिर क्या होता है एरर, मतलब वेरी गुड, ठीक है, एरर मतलब मिस्टेक नहीं, एरर म्हणजे चूक नहीं, कळालं ना, एरर म्हणजे फॉल्ट नहीं, एरर मतलब क्या, डिफरेंस, किस में डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में, किस में डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे हमने एग्जांपल देखा था रितेश का वेट कितना था, 20 kg, अगर रितेश एक वेइंग स्केल के ऊपर चला गया और उसने वेट मेजर किया और उसका वेट आ रहा है 19 kg, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन इंस्ट्रूमेंट जो था, वेइंग स्केल जो था, उसमें 1 kg इतना एरर आ रहा है, ठीक है। तो एरर कैसे कैलकुलेट किया हमने, एक्चुअल वैल्यू 20 थी, मेजर्ड वैल्यू 19 थी, तो उनकी सब्ट्रैक्शन कर ली, मतलब उनका डिफरेंस लिया, ठीक है। तो 20 - 19 क्या हो गया, 1, 1 क्या बना यहाँ पे, एरर बना, ठीक है। तो एरर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। सो राइट डाउन, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू।
मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड, जिसको हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, देखो मेजरमेंट करते मतलब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसका कंपैरिजन करते हैं? जैसे कि अभी भी हमने देखा रितेश का वेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कितना शुगर ऐड करते जाते, समझ में आ रहा है ना। जब तक दोनों इक्वल नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, तब तक वो ऐड करेगा। जब बैलेंस हो गए तो क्या हो गया, शुगर का वेट 1 kg हो गया। समझ में आ गया ना, मतलब हमने क्या किया वहां पे, कंपेयर किया। जितना इस पार्टे में वेट था उतना ही इस पार्टे में वेट, जब तक ऐड नहीं करेंगे और वो बैलेंस नहीं होंगे तब तक हमने उसको इक्वल नहीं बोला था, मतलब इसी कंपेयर करने की कोशिश को हम बोलते हैं एज ए मेजरमेंट। तो इस टॉपिक में हम जो एरर डिस्कस करेंगे वो एरर जो मेजरमेंट में आने वाला है, ठीक है। मतलब जो हमारा फिजिक्स का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वैसे सेकंड टॉपिक है, बट अकॉर्डिंग टू हमारी जो एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक है, कौन सा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिर्फ मेजरमेंट करते टाइम आने वाले एरर्स रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। आज का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उगड़े ठेवू नाही का, कळालं ना, नाही का आपण रिपीट करू, नो डाउट इन दैट, बट समजलं पाहिजे, सिंपल है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, हम एरर डिस्कस करने वाले। एरर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये एरर कहाँ पे आता है, हर बार आता है। मैन्युफैक्चर करने जाएंगे वहाँ पे भी एरर आता है, ठीक है। मेजरमेंट करने जाएंगे वहीं पे भी एरर आता है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एरर पढ़ने जो मेजरमेंट में आने वाले, समझ में आ रहा है। अब मेजरमेंट मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, मतलब देखो कंपेयर करते टाइम जो एरर आने वाला है, मतलब जो डिफरेंस आने वाला है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले, ठीक है। ऐसे क्यों स्टडी करना है उसका रीजन भी वही, लास्ट लेक्चर का एग्जांपल हमने देखा था, रितेश का वेट 20 kg है और उसने मेजर किया और वहाँ पे वेट मालूम हो रहा है कि कितना आ रहा है, 18 kg आ रहा है। यानी कि वहां पे रितेश कैलकुलेट करेगा 20 - 18 यानी कि 2 kg इज द एरर इन द गिवन इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस। इसके बाद में अगर कोई भी न्यू पर्सन वहां पे आ गया, जैसे गणेश आ गया, गणेश को खुद का वेट पहले मालूम ही नहीं था, रितेश को मालूम था एक्चुअल कितना है 20 है, मेजर्ड कितना है 18 है, इसलिए वो एरर क्या
कुछ ना कुछ एरर आता है, उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर आता है। हमारे हो बरोबर बोलू म्हणजे मी म्हणजे ठीक है, मतलब हमने जो डिफाइन किया था स्टार्ट में वहां पे क्या बोला था, एक्चुअल वैल्यू में एंड मेजर वैल्यू का डिफरेंस, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मीन वैल्यू ले रहे हैं। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू को हमने रिप्लेस किया किससे, मीन वैल्यू। समझ में आ रहा है, दो स्टेप में क्या हुआ था, क्या हुआ था बोलो, फर्स्ट स्टेप में क्यों कैलकुलेट की मीन वैल्यू, क्या है कि हम लेंथ मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे, फिर कौन सा होगा, मेजरिंग टेप होगा, वर्नियर कैलिपर होगा, या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगा, उसमें कंपलसरी एरर आता है। ये कैसे मालूम हुआ, जो हम चार रीडिंग्स लेते हैं ना, ये चारों डिफरेंट होती है। अगर ये चारों रीडिंग डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ एरर है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पहली स्टेप में क्या करना है, सबका एवरेज मतलब मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, सबकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, ये हो गई उसकी मीन वैल्यू। अब एक बार मीन वैल्यू आ गई, उसके बाद में हम कैलकुलेट कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर का मतलब, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए मीन माइनस ए वन, ए टू में कितना एरर आ रहा था, ए थ्री में कितना एरर आ रहा था, ए फोर में, आगे की स्टेप में क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर आ गए अब उसका मीन लेंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, मीन किसका, एब्सोल्यूट एरर का, तो ये बनेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसको हम डिनोट करेंगे बाय डेल्टा ए मीन इससे। अब ये डेल्टा ए मीन, इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलो, अब एडिशन किसके, एडिशन
एब्सोल्यूट एरर की, कितने एब्सोल्यूट एरर? 4 है, तो ये बनेगा डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है? 4। क्या हो गया ये? मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पहले मीन वैल्यू, मीन वैल्यू के ऊपर से एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आ गए, उनके मीन निकालना है, तो क्या आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद में आता है रिलेटिव एरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव एरर। अब ये रिलेटिव एरर मतलब क्या होता है? रिलेटिव एरर मतलब होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। क्या हो गया इसका मतलब? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ये बन गया रिलेटिव एरर। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये एक्चुअल वैल्यू थी, उसके रिलेट में, उसके कंपैरिजन में एरर कितना आ रहा है, वो बनेगा रिलेटिव एरर। एंड इसके ऊपर से एडेंड हमें मिलता है परसेंटेज एरर। एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? ये जो रिलेटिव एरर था उसको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इससे क्या होगा, आपको 5 मिनट में क्लियर होने वाला है। उससे पहले ये लिख लिया है, चलो राइट डाउन। सबको क्लियर हो गए ना स्टेप क्या करना है? नंबर ऑफ रीडिंग्स लेनी है पहले, उसके बाद मीन वैल्यू, मीन वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आ गया उसकी मीन वैल्यू, देन एट द एंड रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर नहीं, रिलेटिव एरर क्या था? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर। रितेश डी लगा, हाँ शांत का बस लगा। कड़ा वे स्टैंड बोलो स्टेप बाय स्टेप हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर बिना देख के। फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स ए वन, ए टू, ए थ्री एंड ए फोर, देन टेक मीन वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट मीन वैल्यू? ए एम इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अपॉन फोर। एक बार मीन वैल्यू आ गई, नेक्स्ट स्टेप होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। हाउ टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर? डेल्टा ए वन इक्वल्स टू, नहीं नहीं नहीं, डेल्टा ए वन इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए वन, डेल्टा ए टू इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए टू, डेल्टा ए थ्री इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए थ्री, डेल्टा ए फोर इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए फोर। ये आ गया उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। हाउ टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर? प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर अपॉन फोर। एंड एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोनों आते हैं रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। क्या है रिलेटिव एरर का मतलब? वेरी गुड। एंड परसेंटेज एरर इनटू 100। सिट डाउन हिमांशु, क्लियर है पूरा? पार्थ पुस्तक डोक्यात आज चौथ्यामध्ये रेशो आहे बेटा, फक्त मीन ॲब्सोल्यूट एररचा आणि मीन व्हॅल्यूचा। आणि पाचव्यामध्ये आलेल्या रेशोला 100 मल्टिप्लाय करायचं, 100 से मल्टिप्लाय करेंगे तो क्या होता है, वो परसेंटेज बन जाता है। अच्छा फिनिश्ड हो कि नो? नो, बिना देख के लिखने का ट्राई करो, हाँ छापून काही होत नाही। सार्थक कळालं? स्टँड अप बोलू स्टेप बाय स्टेप। वेरी गुड। देन रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, एंड परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। हो गया। अब कैसे? देखो फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक वर्नियर कैलिपर था जिसने बॉल पॉइंट पेन था, उसका स्पीयर है, उसका आउटर डायमीटर मेजर किया, रीडिंग से सब मिलीमीटर में, और रीडिंग्स हमें जो मिली थी वो इस तरह से थी। पहली रीडिंग 2.00, देन दूसरी रीडिंग 1.80,
तीसरी रीडिंग अगेन 2.00 एंड फोर्थ रीडिंग थी दैट वाज 2.20। ऐसे फोर रीडिंग्स हमने लिए, तो जो डिवाइस हमने यूज़ किया था उसमें कितना परसेंट एरर आता है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, मैं सॉल्व करके देता हूँ, आगे आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है, इसलिए ध्यान दो। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स मिल गई, हमारी पहली स्टेप क्या होगी, इन सब का यूज़ करके मीन वैल्यू को कैलकुलेट करना। अब ये 2.00 मतलब कौन है, A1, 1.80 कौन है, A2, 2.00, 2.20, A4 है। तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4। आता घोल डाला एडिशनली, परत कैसे करेंगे एडिशन, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2.00, 1.80, 2.00, 2.20। ऐसे मालूम है सबको, एडिशन करते हैं, डेसिमल अगर है तो रूल क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए, सब जीरो है, जीरो, 8 + 2, 1 आ गया कैरी, 2 + 1, 3, 3 + 2, 5, 5 + 1, 6, 6 + 2, 7, 8, तो ये आ गया 8.00। तो ये बनेगा 8.00 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू कितनी आ रही है, 2.00। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, सिंपल बस एडिशन किया, नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड किया, लियो ना का पहले समझाऊँ क्या। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करना है, जैसे डेल्टा A1। अब डेल्टा A1 क्या था, ए मीन माइनस A1। अब ए मीन कितना है, 2.00, A1 कितना है, 2.00, इनकी सब्ट्रैक्शन कितनी आ रही है, 0.00, ये भी क्लियर है सबको। नेक्स्ट डेल्टा A2, अब ये डेल्टा A2 बनेगा ए मीन माइनस A2। अगेन ए मीन कितना है, वही है 2.00, बस A2 बदल गया, A2 कितना है, 1. ये आता है क्या, नहीं आता है तो वर्टिकल करो आपका रेगुलर, 2.00 माइनस 1.80, मग 2 मधून 1.8 गेले 0.20, क्लियर है। आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेल्टा A3, अब डेल्टा A3 बनेगा ए मीन माइनस A3। अब ए मीन कितना है और मीन वैल्यू कितनी है, सॉरी A3 कितना है, अगेन 2.00, तो इनकी सब्ट्रैक्शन 0.00। अब लास्ट वाला आएगा डेल्टा A4, इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, क्यों बाद में समझ में आएगा, इक्वल्स टू आएगा ए मीन माइनस A4। अब ए मीन है 2.00, ए मीन कितना है, वेरी गुड, इसकी वैल्यू आती है माइनस 0.20। सिंपल आपकी जो रेगुलर सब्ट्रैक्शन है वही क्या है, नया कुछ भी नहीं, क्लियर है यहाँ तक। बस अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मीन एब्सोल्यूट एरर। अब क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा ए मीन क्या होगा, डेल्टा ए मीन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे डेल्टा A1 कितना है, 0.00, बाद में 0.20, बाद में 0.00 एंड बाद में 0.20 अपॉन 4, कितना आ रहा है, 0.00। तो यहाँ पे अगर डेल्टा AM0 आ गया तो इसका मतलब जो रिलेटिव एरर होता है, क्या होता है रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, ये भी कितना आएगा, 0.00। अगर ये जीरो आ गया तो परसेंटेज एरर जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100 होता है, बट ये भी 0.00 बनेगा। ये तो ढल ढल दिसते अपने कि चार रीडिंग डिफरेंट है, मतलब कुछ ना कुछ एरर है, एंड कैलकुलेट करने गए तो कितना आ गया, समझ में आ रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड रूल डिसाइड किए थे वो फॉलो नहीं किए, इसलिए ये स्टार मार्क था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एरर नेवर बी नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, एरर एरर है, उसको प्लस है माइनस लेंगे हर बार, इसी तरह से आंसर जीरो आएगा, नहीं भी जीरो आ गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो यहां पे 0.20 का एरर आ रहा है, यहां पे भी 0.20 का एरर आ रहा है, दोनों को अगर प्लस माइनस लेंगे तो वो जीरो हो रहा है ना, मतलब एरर कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए ये सब्ट्रैक्शन नेगेटिव भी आती है तो भी हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए ये स्टार मार्क है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना।
अगर ये एरर की वैल्यू सब्ट्रैक्शन करके निगेटिव भी आ रही है तो हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव ही लेना है। आपके एडिशन के रूल, सब्ट्रैक्शन के रूल, यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं मैं असं करणार नाही, कारण दहावीपर्यंत आम्हाला वेगळं शिकवलं असं म्हणू नका, कळालं ना, कारण आपण ठरवलंय, डिसाईड केलंय। नाही म्हणशू ॲक्सेप्ट करावं लागतं बेटा, ते दुसरं विचारतोय का, मला वाटलं नाही म्हणतोय। हां सगळं कुठं पण मायनस आलं की तो ऑलवेज काय घ्यायचा, प्लसच घ्यायचा। नाही असं नाही, येऊ शकतो बट शक्यतो येत नाही। एरर झिरो आला म्हणजे आपण जिंकलो, कळालं ना, म्हणजे आपण खूप भारी डिवाइस बनवलं, ठीक आहे, बट असं होणार नाही कधी। अभी आप मैंने प्लस लिया, प्लस लेने से क्या चेंज होगा, ये जो माइनस था ये प्लस बनेगा। अगर ये प्लस बन गया तो आप कितना आ रहा है देखो, इनकी एडिशन आएगी 0.40 अपॉन 4, 0.10। हिमांशु अभी अगर 0.10 है तो इसका रेशियो कितना आएगा, डेल्टा ए मन ए मीन कितना है 0.10, मीन वैल्यू कितनी थी 2.00। कर सकते इनका डिवीजन, 0.1/2 है आता, कम ऑन फास्ट, यू कैन डिवाइड करना है, वेरी गुड, बरोबर है पार्थ, 0.1/2, देखते कितने लोग कर पाते हैं। 15 दिवस झाले आपण ॲडिशन, डिफरन्स, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन्स करतो आहे। श्वेता झिरो पॉईंट झिरो फाईव्ह की 0.05, परत एकदा चेक कर, 1-0 मला एक्स्ट्रा वाटतोय, 0.05 कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे करते हैं। डिविजन किसका करना था, 0.1/2 का, हे आवडत नाही आपल्याला म्हणून आपण याला काय लिहितो, 10/2। अब 0.1 को 10 लिखा, मतलब डेसिमल हमने 1, 2 डिजिट से शिफ्ट किया, मतलब 10^-2 आ गया। 10/2 कितना है, 5, 5×10^-2, मतलब ये होता है 0.05। ठीक है श्वेता, कौन सा डिवीजन किया था, मंश वाला सेम, श्रुति 1-0 कुठून एक्स्ट्रा आणला तू, बर सांगताना पॉइंट विसरली होती, पॉइंट शिफ्टिंग मध्ये, बर तो यहाँ पे कितना आ गया रिविजन डिविजन 0.05। क्लियर है आप सबको। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.05 × 100, 0.05 × 100, डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट होगा, यानी कि 5% का एरर आ गया। मतलब जो डिवाइस हम यूज कर रहे थे उसमें हर बार लेंथ की मेजरमेंट करेंगे तो कितने का एरर आएगा, सिर्फ 5% का आएगा। समझ में आ गया, एग्जाम्पल क्लियर है, चलो पहले इसको लिख लो, फिर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समजते तुला काही, एवढं क्लिअर नाही आलं, पण मग ठरलं आहे आपलं तर तसं घेतो आपण, ॲन्सर सेम येणार आहे, करेक्ट आहे, चुकलंय श्रुती, 0.5 नाही, लिहून झालं नाही, घेवली ना काय कळालं नाही ते आपल्याला लगेच कळतं मग।
कैसे करना है वो सिंपल है, क्यों करना है वो क्लियर हो गया ना सबको, अभी और क्लियर होगा। क्लियर श्वेता? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, रीडिंग्स 1.00, 1.20, नहीं बाकी चलिए आ ली 1.00, 1.20, 0.80, 1.00, कैलकुलेट परसेंटेज एरर 4, 1.00, 1.20, 4, 1.00, 1.20, 0.80, 1.00 परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। चलो बाकी का हो गया लिख के, सबका हो गया लिख के, ओके अब स्टॉप राइटिंग एवरीवन। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, सगळे सोडवणार आहे एग्जांपल, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अभी हमें मालूम हो गया कि जो वर्नियर कैलिपर हम यूज कर रहे थे उसमें कितना परसेंट एरर आता है, 5%। तो अगर मुझे कोई भी रीडिंग मैंने ली है, लेंथ मेजर की है, और लेंथ मेजर करने के बाद मुझे वो लेंथ 100 जो भी था, जैसे कि मिलीमीटर में था, 100 मिलीमीटर इतनी रीडिंग आ रही है, तो मैं अगली बार उसको 100 मिलीमीटर नहीं लिखूंगा, मैं उसको ऐसे लिखूंगा, वेरी गुड, 100 प्लस और माइनस 5%। समझ में आ रहा ना? क्योंकि जैसे रितेश का वेइंग स्केल का रिलेशन हमने देखा था कि वेइंग स्केल क्या करती थी, 2 kg का एरर शो करती थी, फिर हम आने वाले हर एक को बोलते थे कि वो 2 kg का एरर शो कर रहा है। अभी हमने डिवाइस के साथ वही किया, इसमें आने वाला परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लिया, और आगे हमें समझ में आ गया कोई भी लेंथ मेजर करेंगे उस डिवाइस का यूज करके तो 5% का एरर आएगा। मतलब कोई लेंथ मैंने अगर 100 मिलीमीटर यूज किए, सॉरी मेजर किए, इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज निकालना मालूम है कैसे निकालते हैं, 100 के 5 कितने होते हैं, 5%, वाह रे पट्ट्या, 100 के 5% 20, 5 असतील ना, 5% 100 के निकाल रहे, कैसे होता है, दुकानात बसून बसून त्याला सवय लागली, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपल, जैसे कि 100 के 5%, तो दूसरा अभी 100 ही है, उसके कितने होंगे, इनका करते हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तुम्हाला तुमच्या शाळेत जसं शिकवलंय ते फॉलो केलं तरी चालेल, कळालं ना? तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 100 / 100 = x, 100 कट, मतलब 100 का 5% 5 होता है। अगर हमें बोला जाता कि 100 का 20% चाहिए, 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा ना, लेकिन अगर 50 का 20% बोलते तो, वाह रे 25, और 100 20 का बोलते तो फिर 35 है ना, 10, वेरी गुड, अभी सिंपल है तो आ रहा है। अब बोलो 29 का 7%, बोलो बोलो ना, 5, 20, 10, ले पटपट आंसर देते, बोलो 29 का 7%, अरे एवढा वेळ, 29 का 7% चाहिए,
गणेश 29 का 7% असं करायचं बेटा, माहिती घे परसेंटेज काढायचं, रिलेशन करा यूज, चुकलं चुकलं करा, ट्राय करा. श्वेता तुला एवढा वेळ लागतोय का? गायत्री आठवते परसेंटेज 1.73. तू गोळ्या नाही मारायची, मी तुला अगोदर सांगितलंय ना, कॅल्क्युलेशन करत जा. 2.03, व्हेरी गुड. देखो कैसे निकालना है, मैंने बोला ना 100 का 7 परसेंटेज हमेशा 100 में से होते हैं. 100 के 7 है तो हमें पूछा है 29 के कितने होंगे, बराबर. क्वेश्चन जब आता है ना कि 29 के 7% कितना, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे. परसेंटेज जो लिखे हैं वो मतलब 100 के 7, तो 29 के कितने. अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 29 इंटू 7 अपॉन 100 हो जाएगा. अब 7 का टेबल आता है, करा 203 अपॉन 100, यानी x इक्वल्स टू हो गया 2.03. 29 का 7% कितना हो गया, 2.03. अब समझ में आ गया. चलो और एक करो, 49 का 37%. 49 का 37% कितना होता है, 49 का 37%. मोबाइल यूज करायचं म्हणतो का, 49 का 37%. अरेंजमेंट क्या होगी, 37% है मतलब 100 में से इधर x, तो ये बनेगा 49 इंटू 37 अपॉन 100. एक्सलंट, व्हेरी गुड. असे पार सोडवलं की येतं, पण तू काय करतो गोळ्या मारायला प्रिफरन्स देतो. 18.13. गणेश असे पण आले पाहिजे परसेंटेज, फक्त दुकानातले परसेंटेज येऊन चालत नाही. 18.13 हो गया क्लिअर. सार्थक झालं का सार्थक? 18.13. अब यहाँ पे देखो 100 प्लस और माइनस 5%, इसका मतलब क्या होता है वो हम देख रहे थे कि जो लेंथ हमने मेजर की थी वो 105 मिलीमीटर भी हो सकती है, 95 मिलीमीटर भी हो सकती है, मतलब 105 से 95 इसके इन बिटवीन कितनी भी हो सकती है. लगे तो आज 100% डोक्यात जाणार नाही, त्यामुळे थोडंसं समजून घ्यायचं ट्राय करा. जब तक क्लियर नहीं होगा आपको मालूम है तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि हमने जो डिवाइस है उसमें कितना एरर आता है ये कैलकुलेट किया. कहाँ पे कैलकुलेट किया, इस एग्जांपल में कितना आ गया, 5%. उसके बाद मैंने मेजरमेंट करना शुरू किया और मेजरमेंट कितनी आ गई, 100. बट हमें मालूम है कि डिवाइस में एरर है, कितना एरर है, 5% का. लेकिन ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये हमें कभी मालूम नहीं होता. क्यों नहीं मालूम होता, वो स्टार मार्क. क्योंकि हम क्या करते हैं, पॉजिटिव आ गया तो भी प्लस लेते हैं, नेगेटिव आता है तो भी प्लस लेते हैं. इसलिए एरर हर बार हमें प्लस और माइनस के साथ लिखना पड़ेगा. अब 100 के 5% मतलब आपने बोला था 5 होते, यानी कि 100 प्लस 5 105 भी हो सकता है, 100 माइनस 5 95 भी हो सकता है. मतलब एग्जैक्ट लेंथ हम मेजर कर ही नहीं सकते. हमने जो लेंथ मेजर की है वो 95 से 105 इसके इन बिटवीन कहीं पे भी हो सकती है. बोल पार्थ. एरर कैलकुलेट जेव्हा करतो ना आपण तेव्हा माइनस नाही घ्यायचा. बट आता इथं ढळढळ एकदा प्लस एकदा माइनस लिहिलंय की नाही म्हणून एकदा ऍड करावं लागेल, इथं सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल. हा एरर नाही, हा एरर कन्सिडर करतोय आपण. ते एरर कॅल्क्युलेट करत असतानाची प्रोसेस होती, ठीक आहे. चलो अब सेम डिवाइस आहे और उसका मेजरमेंट लिया तो मेरा डिस्टन्स आ गया 30 मिलीमीटर. मुझे क्या करना पडेगा, व्हेरी गुड, 5% प्लस माइनस करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमें मालूम हो गया कि डिवाइस फॉल्टी है, उसमें एरर आता है कितना, 5% का. आप 30 के 5% इसका मतलब जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वो 31.5 मिलीमीटर से 28.5 मिलीमीटर इसके इन बिटवीन हो सकती है. कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 30 प्लस और माइनस 1.5, 30 प्लस 1.5 31.5, 30 माइनस 1.5 28.5. मतलब जो लेंथ हमने मेजर की थी वो इसके इन बिटवीन है. लिंक लग रही क्या? देखो स्टार्ट में मैंने क्या बोला था कि कोई भी डिवाइस है उसका यूज करके कोई भी लेंथ हम मेजर करेंगे या फिर कोई भी मेजरमेंट करेंगे 100% एक्यूरेट कभी नहीं आने वाली.
समझ में आ रहा है ना। बट हम क्या करते हैं कि उसमें कितना एरर पॉसिबल है वो पहले से कैलकुलेट करते हैं। मतलब इस रेंज से क्या होगा, हमें कंफर्म मालूम है कि ये लेंथ जो है वो 35 मिलीमीटर है ही नहीं, एग्जैक्ट 30 मिलीमीटर है ये तो मालूम नहीं है, मतलब नहीं है ये तो मालूम है, लेकिन 35 नहीं है ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। वो कितनी है, 31.5 से कम, 28.5 से ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना। इस तरह से एरर अगर हमें पहले से मालूम हो गया तो हम मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। एक्यूरेसी समझ में आता है ना क्या, तो एक्यूरेट मतलब क्या, असं बऱ्याच वेळा होतं फिजिक्समध्ये, माहीत असतं आपल्याला पण सांगता येत नाही, बरोबर। जसे ॲक्युरेसी ॲक्युरेसी आहे, ॲक्युरेट आहे, बट ॲक्युरेट मतलब क्या, ॲक्युरेट काय सांगणार ना, ॲक्युरेट असं नसतं फिजिक्समध्ये, प्रत्येक कन्सेप्टला एक्सप्लेनेशन आहे। सांगितलंच पण कुठंतरी गेलं ते आज। हां लास्ट वन तू सांग बेटा, ॲब्सोल्युटली नको आहे मला, मला ॲक्युरेट किंवा ॲक्युरेसी म्हणजे काय हे पाहिजे। तुझा शॉर्ट फॉर्म नाही आहे ॲब्सोल्युटली करेक्ट, ए इकडचं घेतलं करेक्टचं क्युरेट घेतलं आणि ॲक्युरेट झालं असं नाही ते, नियर अबाउट करेक्ट, व्हेरी गुड, नॉट एक्झॅक्ट। बरं श्रुती, डिफरन्सलाच काय म्हटलो आहे आपण, एरर म्हटलं, ठीक आहे, मतलब लीस्ट एरर होगा, मेजरमेंट मोस्ट एक्यूरेट होगी। समझ में आ रहा है ना। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एरर कम होना, समझ में आ रहा है ना। जितना एरर कम होता जाएगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, समझ में आ रहा है। एक्यूरेसी म्हणजे एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट म्हणजे ॲब्सोल्युटली करेक्ट असं पण नाही, ठीक आहे ना। एक्यूरेसी मतलब वहाँ पे एरर कम होगा, एरर लिस्ट होगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, स्टार्ट से आज हमने जो डिस्कशन शुरू किया था कौन से पॉइंट के अबाउट, एरर, कौन सा एरर, एरर इन द मेजरमेंट, सिर्फ मेजरमेंट का एरर चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं, वो अभी नहीं पढ़ना है, इंजीनियरिंग करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट में आने वाला एरर पढ़ना था, और उसके लिए मैंने क्या बोला कि एरर पढ़ना क्यों है हमें, क्योंकि हम जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दुकानातून एक किलो साखर घेऊन या आणि घरी जर दुसरा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल असेल त्यावरती एक किलो साखर ठेवा, ती एक किलो 1000 ग्राम कभी नहीं मिलेगी, जास्त नाही येणार, कमीच येणार थोडीफार, कळालं ना। मतलब दुकानदारांनी काही घोळ केला का, करायचा नसला तरी पण तो घोळ होतो, समज में आ रहा ना, क्योंकि वेइंग स्केल उसको 100% ॲक्युरेट मेजर करी नहीं सकते, कुछ ना कुछ एरर आने वाला आहे। इसलिए जो वेइंग स्केल होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल देखा आहे कभी, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा बघितला आहे कधी, कुठं बघितला आहे, दुकानात, व्हेरी गुड, मला वाटलं तो क्लासमध्ये ठेवला का बाहेर, दुकानातच बघतो ना बेटा आपण, कुठल्या दुकानात, कुठल्या पण, बरोबर आहे, मॉल्समध्ये पण असतो, ठीक आहे। तो जब तक वहाँ पे मतलब वेट ॲड नाही किया आहे तब भी वो क्या करता है 0.00 एंड वहाँ पे 2 ± 2 ± ऐसे शो करता है, तो वो होता है उसका एरर। समझ में आ रहा है ना। मतलब जैसे कि गोल्ड स्मिथ सोनार, उनका विंग स्केल होता है, उसमें अगर 1-1 ग्राम का एरर आ गया तो 1 ग्राम कितना है अभी, 5000 है क्या, 50,000 का 5000 पर ग्राम है, समझ में आ रहा है ना। जो हम शुगर ले रहे हैं ना उसमें 100, 50 ग्राम, 60 ग्राम इतना एरर आता है, वही एरर अगर सोनार के पास वेइंग स्केल में आता तो काय होईल, एक तर त्याला घरदार विकावं लागेल नाही तर आपल्याला विकावं लागेल, बरोबर आहे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं वहाँ पे, हिमांशु बड़बड़ने, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं एरर को और कम करते हैं और वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मतलब एक किलो शुगर है ना, वो किराना दुकान का वेइंग स्केल है, वहाँ पे मेजर की एंड सोनार के पास जाके मेजर की, तो एक्यूरेट कहाँ पे आएगा, क्योंकि वहाँ पे एरर क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे आने वाला एरर मिलीग्राम में आता है, किस में आता है, मिलीग्राम, आता कळायला लागलं ना, मिलीग्राम, 1 ग्राम का 1000th पार्ट, समझ में आ रहा है ना, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ ना, 50-100 रुपये इकडे तिकडे जास्त जातील, ठीक है। वही अगर प्लैटिनम के लिए जाएंगे, प्लैटिनम मालूम है गोल्ड से भी महंगा होता है, समझ में आ रहा है ना, उसकी मेजरमेंट अगर करेंगे तो जो यहाँ पे था सोनार के पास वो भी नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम में चल जाता है, 50-100 रुपये अपन बियर कर सकते लॉस थोड़ा, ठीक है। वही प्लैटिनम में जाएंगे तो वही 10,000-20,000 में आ जाता है, इसलिए वहाँ पे जो एक्यूरेसी है उसको और बढ़ा दिया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे एक्यूरेसी बढ़ा रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं,
एरर कम कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, बस सीधा सीधा लॉजिक है, ठीक है। अब ये एरर की कंडीशन क्या है, देखो हम क्या करते हैं, जब भी मेजरमेंट करने वाले एरर आने वाला ही है, हमें मालूम है, ऐसा नहीं कि सोनाराच्या विंग स्केल मध्ये एरर येत नाही 100% येतो, कळालं ना, बट आने वाला एरर हम क्या करते हैं मिलीग्राम में रखते हैं। मिलीग्राम से क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम 5000 का है, समझ में आ रहा है, एंड वहां पे 1 मिलीग्राम इतना एरर आ गया, तो हमारा लॉस कितना होगा, नहीं ना, 5000 / 100 ₹50 का फरक पडतो का, मोठा दकून जातो तेवढा, है ना, सोनं घ्यायला गेलो 5-50 रुपये इकडे तिकडे, बट वही अगर ग्राम में आता एरर तो 10 ग्राम घ्यायला गेलो ना आला 8 ग्राम, तर समझ में आ रहा ना, इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं एरर को मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज कैसे करना है वो आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो सीधा सीधा कोई भी डिवाइस है, विंग स्केल है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, और कहीं पे भी जाएंगे, पहली स्टेप में क्या करना है, 2-4 रीडिंग लेनी है, 2-4 रीडिंग हो गई, उसके बाद उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक बार मीन वैल्यू आ गई उसके बाद एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर हो गया परसेंटेज एरर, एक बार परसेंटेज एरर आ गया, आगे हमारा काम सिंपल होता है, कैसे, कितनी भी लेंथ मेजर की उसमें प्लस माइनस परसेंटेज गिवन पुट कर दो, फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे एक डिवाइस का यूज करके कितना एरर आ गया था 5% का, इसका मतलब ये डिवाइस का यूज करके जब भी लेंथ मेजर करेंगे उसमें कितना एरर आने वाला है 5%, मतलब हमारा काम और सिंपल हो गया। जैसे पहले रीडिंग का आंसर था 100 मिलीमीटर, मतलब एक्चुअल में वहां पे अगर एरर कंसीडर करेंगे तो ये बनेगा 100 ± 5%, बट 100 का 5% 5 होता है, इसका मतलब गिवन लेंथ 105 से कम एंड 95 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कितनी है एग्जैक्ट हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कड़ा ना, बाय यूजिंग दिस डिवाइस। अगर उसको और थोड़ा एक्यूरेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कंपेयर करो, साकर लेने गए, वहाँ पे एग्जैक्ट 1000 ग्राम मिलेगा ही नहीं हमें, समझ में आ रहा है ना, 5-50 ग्राम इकडे तिकडे होणारच है, बट आपल्याला नाही, मला 1000 ग्रामच पाहिजे, काय करावं लागेल आपल्याला, सोनाराच्या वजन काट्यावर घेऊन जावं लागेल, वहाँ पे ॲक्युरेसी बढ जाएगी ना, क्योंकि एरर क्या हो रहा है वहाँ पे कम हो रहा है, समझ में आ रहा है, वही केस यहाँ पे। अगर ये डिवाइस का यूज करेंगे तो हम एग्जैक्ट रीडिंग ले ही नहीं सकते, हमें यही रेंज मिलेगी 105 से कम 95 से ज्यादा, क्लियर है। आगे हमने दूसरी रीडिंग ली थी, कितनी थी 30 मिलीमीटर, फिर से वही डिवाइस है, इसका मतलब लेंथ कितनी होगी 30 ± 5%, फिर 30 का 5% कितना है, इसका मतलब लेंथ 31.5 से कम एंड 28.5 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, एग्जैक्ट 30 नहीं है, एग्जैक्ट 30 हम मेजर भी नहीं कर सकते कोई भी डिवाइस यूज करके, ये डिवाइस यूज करके, इसको छोड़ के अगर स्क्रू गेज लेंगे और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा एरर कम हो जाएगा, मतलब ये जो रेंज है ना 31.5 है, इसको हम 30.8 से ये 30 या फिर 29.9 इसके इन बिटवीन लेके आ सकते हैं, मतलब रिलेटिवली एरर कम हो गया ना, रिलेटिव एरर कम हो गया मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई, समझ में आ रहा है, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम एरर कम कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट ये वैल्यू 30 मिलीमीटर है ऐसे कभी भी कोई भी मेजरिंग डिवाइस बोल ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना, तो ये बेसिक लिमिटेशन है हमारी मेजरमेंट का। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोला था मैंने, आ गया आंसर, चलो करो कैलकुलेट परसेंटेज एरर, अब ये सबको आना चाहिए, देखते कितने लोग करेक्ट करते हैं। देखो एरर का आज सिर्फ वार्म अप चल रहा है, ठीक है ना, जब तक आपके दिमाग में पूरा नहीं बैठेगा तब तक इसको हम खत्म नहीं करेंगे। फाइनल एरर परसेंटेज एरर, आता ॲडिशन झाली वाटतं ओम फक्त, कोई भी कॅल्क्युलेटर यूज नाही करेगा। हिमांशु आएगा बंद, कैल से आएगा नहीं है ना,
जर सापडलं तर मग वॉच जप्त होईल तुझी, बरं का? अगोदर सांगून दे मला. येस, व्हॉट इज द अँसर? सबसे पहिली स्टेप क्या होती आहे? बर बर, ठीक आहे, थांबतो थांबतो. डिस्टर्ब करू नका मला, आहे की नाही? वन परसेंट. श्वेता चेक करो एक बार फिर से, पार्थ चेक कर परत एकदा, रॉन्ग नहीं व्हायला पाहिजे. बाकी लोगों का हो गया? गड़बड़ नहीं? हाँ, धीरे धीरे करो. टेन परसेंट? नाही, तू कॅल्क्युलेट कर ना, मी तर व्हेरी गुडच म्हणणार आहे. सर रॉंग असेल तरी पण. वन परसेंट? 0.75%? व्हेरी गुड. गायत्री, गायत्री ॲबसेंट वाटतास. निवेदिता, रितेश 0.1%? ओके, अभी बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग. पहली स्टेप क्या होगी हमारी? मीन वैल्यू को कैलकुलेट करना. अब मीन वैल्यू मतलब इनको ऐड करना है. 1.208 कितना हो गया? 2, 3, 4. तो 4.00/4, 1.00. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कहिए, स्टेप बाय स्टेप करो एडिशन. समझ में आ रहा है? मीन वैल्यू कितनी आ गई? 1. अभी निकालने हैं एब्सोल्यूट एरर. तो डेल्टा A1 0.00, डेल्टा A2 0.20, डेल्टा A3 0.20, डेल्टा A4 0.00. यहाँ तक भी सबको क्लियर है? क्या किया हमने? ए मीन माइनस ए वन, ए मीन माइनस ए टू, ए मीन माइनस ए थ्री, ए मीन माइनस ए फोर. अब इनका मीन निकालना है, मतलब डेल्टा ए मीन ये बनेगा 0.40/4, या आ रहा है 0.10. यहाँ तक भी क्लियर है? आगे आता है रिलेटिव एरर. अब ये रिलेटिव एरर को डेल्टा ए मीन को ए मीन से डिवाइड करना है, यानी 0.10/1.00, यानी बनेगा 0.10. एंड फाइनली जब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे तो 0.10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एरर बन गया 10%. काय झालं माहिती आहे का? तुम्ही सगळ्यांनी सोडवलं पण शॉर्टकट मारायचं ट्राय केलं. इथपर्यंत पॉईंट वन दिसलं ना, पुढचं रिलॅक्स होऊन गेले, आलं 0.1%. समजलं ना? हे लक्षात घ्या, ही आपली रेस आहे, कळालं ना? पण या रेसमध्ये जिंकण्यापेक्षा, म्हणजे पटकन ॲन्सर सांगण्यापेक्षा ॲक्युरेट ॲन्सर सांगणे हे आपल्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे टेक युअर टाईम. सुरुवातीला जेवढा जास्त वेळ लागतो आहे तेवढं चांगलं आहे, कारण एकदा हे क्लिअर झालं की नंतर याच्यामध्ये मिस्टेक होण्याची प्रोबॅबिलिटी नसते. कळालं ना? ठीक आहे, इट्स टाइम अप, 10:30 इज देअर. तो देखो, आज बस वार्म अप हुआ, नहीं भी समझ में आ रहा है कुछ इश्यू नहीं है. अगला पूरा वीक यही चलने वाला है. समझ में आ रहा है? जब तक एरर का पूरा पार्ट क्लियर नहीं होता है तब तक इसको हम छोड़ने वाले नहीं है. तो रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू करेंगे कल का लेक्चर. स्वामी